गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी जा रहे हैं माउंटेन के साइड, मतलब हम और टीकू बस, क्योंकि उधर ही बैठते हैं हम लोग शाम में, घर में दिन भर अच्छा नहीं लगता। तो चलते हैं अभी उधर ही साइड और देखते हैं क्या सीन होता है। ठीक है, जा रहे हम लोग रिवर साइड, हम टीकू और देख सकते हैं यहाँ पे सामने हम लोग रिवर, दोनों साइड रिवर, हम लोग है ब्रिज के ऊपर खड़ा। तो अभी यहाँ पे जा रहे स्टैंड 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 करेंगे और डायरेक्ट रिवर में चल जाएंगे। अच्छे मूड कर रहा है कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे माउंटेन के सबसे ऊपर में, अपना बाइक को चढ़ाते हैं, अपना डुकाटी पानी गाले भी फॉरेस्ट को, तो देखते हैं चढ़ता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो पूरा बारिश का मौसम, मतलब वेदर तो ठीक ठाक है और थोड़ा 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 स्कीडी वाला होगा। हम लोग रिवर के पास, इधर भी रिवर, इधर रिवर, अभी जा रहे हैं लोग सबसे ऊपर, और इधर का वहाँ पर रोड भी ब्लॉक है, तो देखते हैं कैसे जाएंगे हम लोग वहाँ से उधर साइड। तो देखते हैं अभी क्या सीन है, कहाँ जा लोगों को पता नहीं, कहाँ चढ़ा है भाई बोलो, रोड सूख गया लग रहा है। ओह भाई, इधर पानी, इधर पानी है, कहीं चढ़ा है, यहाँ चढ़ा दे, यहाँ से पैर वा स्लिप हो गया गिट्टी में। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पूरा हैवी हैवी ड्राइवर चल रहा है हम लोग का। ओ भाई साहब, सिस्टम है, खेत वेत में वो हाईवे बना दिए गाइस। ए जा, सबसे ऊपर चढ़ गए वे। उतर के जाएगा का इसे बोलते असली पावर एंड रो पावर। ये रहा हम लोग का डुकाटी पानी गाले वी फोर एस का रो पावर, जो कि आप लोग देख सकते हो कितना हैवी हम लोग कर रहे हैं ऑफ रोडिंग विथ 4x4 इंजन। ऐसे लेना तो गाइस, अभी का मिशन हम लोग का ऊपर चढ़ रहे हैं बाइक से, देखते ऊपर चढ़ पाते ही नहीं पाते हैं, और आप लोग एंजॉय करो बस। डुकाटी का पावर, इन्हें तो रोड बना दे भाई। बस बन रहा है भाई, मेरा कैमरा मैन में ही बस मत करना कर। भाई साहब सब चीज में पीएचडी करके रखा। ओए क्या बोला तूने, अरे कहाँ आ गए वे। तो गाइस हम लोग अंदाजे शाम शाम में पगला चलते हैं, तो इधर पर इधर आ जाते हैं। अरे भाई सीधे चढ़ाई में, अरे तू झूठ, चला कहाँ कहाँ चढ़ जा रहा मेरा भाई। गाइस इसे बोलते असली बाइक एंड असली पावर। अभी ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग पीछे साइड से, क्योंकि पीछे साइड से रास्ता है चढ़ने के लिए। देखते हैं यार क्या सीन है आगे। और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, और 5 बजे हम लोग आए हैं भूतिया प्लेस, मतलब क्या ही बताया, इधर भूत भी रहता है रात रात को। जा अच्छी गया, चढ़े ना तो सीधे चढ़ा गया, सीधे जो चढ़ा सकते हैं। तो गाइस किसी का बाइक चढ़ा है ये वाला माउंटेन में, मेरा घर घर आसपास का, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कोई और चढ़ाया होगा मेरे सिवाय। टीकू चढ़ा, टीकू बस, हाँ टीकू बस, बट सबसे फर्स्ट टाइम हमें चढ़ाया गया ना, साथ में चढ़ाए थे, उससे पहले भी हम चढ़ा चुके थे। रोड है भाई साहब, सिस्टम है क्या। वही मज़े आ रहा, पूरा बाइक चलाने पूरा मज़ा आ रहा है भाई। अब देखो यहाँ से पूरा 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 झारखंड दिख रहा है, समझ रहे हो, पूरा झारखंड। अच्छा। और उधर तो पूरा नेचुरल ब्यूटी दिख रहा है, धान सब पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन। ओ भाई साहब आ गए। तो गाइस फाइनली हम लोग का मिशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, तो सब कोई तालियां बजाओ। मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। चल भाई फाइनली पहुँच गए, चल उतरो, अब डे जब तुम ब्लॉग एडिट करो।
हम करते हैं सिस्टम हैंग। तो गाइस शाम का टाइम हम लोग आए यहाँ पे माउंटेन में, सब माउंटेन के सबसे ऊपर। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब घर में पूरा एकदम बहुत अजीब लग रहा था, तो इधर इसीलिए आ गए क्योंकि दिन भर सोए थे घर में। तो अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, 1 आवर कम से कम, उसके बाद ही घर चलेंगे। और उधर है अंकित मोदी का घर, और अभी हम लोग इधर है माउंटेन के ऊपर। तो और नीचे हम लोग का वो छठ पूजा वाला प्लेस, जो कि कमिंग सून छठ पूजा, मतलब छठ पूजा आने वाला है, हम लोग दिखाते वो प्लेस। गाइज वो रहा छठ पूजा वाला प्लेस, बट वहाँ बहुत सारा घास हो गया, बट जब छठ पूजा पहुँचेगा तो उस टाइम पूरा साफ़ कर देंगे। अभी साफ़ करेंगे तो फिर बढ़ जाएगी छठ पूजा तक, तो इसीलिए अभी साफ़ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पूरा मस्त फॉल वॉल बना है, हंड्रू फॉल, और पूरा मस्त ग्रीनरी उधर है, इधर भी है, सब तरफ है मस्त। तो यहाँ पर मज़ा आ रहा हम लोग को बैठने में, रहने में बहुत मज़ा। उधर रहा पदरातू घाटी, जो कि नहीं दिख रहा है माउंटेन से, क्योंकि माउंटेन से ढका हुआ है पूरा पदरातू। और हम लोग उधर रोड दिख रहा है वहाँ पे। तो फर्स्ट में तो वहाँ वो ब्रिज के पास खड़ा था, उसको डायरेक्टली 5 मिनट्स में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ये माउंटेन में। वहाँ से पूरा ऑफ रोड तो बहुत हार्ड था, बहुत वहाँ से हम लोग यहाँ माउंटेन आने में बहुत क्या ही बताए, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट प्रॉब्लम को बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर दिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने आता हम लोग को बहुत अच्छे से, तो वही कर दिए। और जब हम लोग पहले वहाँ बैठे थे, मतलब अभी बैठते हैं वहाँ, नहीं कहाँ गया, अरे भाई कहाँ था, कोई कॉल कर रहा है, वहाँ पे बैठते हैं। तो आज मन किया इधर आने के, तो इधर आ गए। जब भी टाइम हो चुका हम लोग घर जाने का, क्योंकि बहुत शाम हो चुका है, थोड़ा कुछ नहीं दिख रहा हम लोग को, मतलब वाह दिखता रहा सब कुछ दिख रहा है, बट शाम हो चुका है। तो अभी चलते घर, और थोड़ा देर और रहेंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, फिर हम लोग को दिखेगा कुछ नहीं। और उधर टीकू इंतज़ार कर रहा है मेरा घर जाने, क्योंकि उसको बहुत जल्दी जाना, क्योंकि उसको बहुत लो फील हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। और उधर हम लोग का सनसेट हो चुका है फाइनली, मतलब नहीं हुआ बस थोड़ा सा। तो अभी चलते हैं फाइनली घर, घर नहीं जाएंगे, जा रहे हैं थोड़ा सा फार्म देखते हैं मेरा मुर्गी क्या हाल चाल है, मेरा मुर्गी सबका। तो चलते हैं, मारा चल चल तू जल्दी। तो भाई इधर वो उधर है संगा, एंड इधर है मालसरिंग। चलो रेडी चल ब्रो, लेट्स गो। चलो तो गाइस, इससे ज़्यादा खतरनाक क्या बोलते हैं, इससे ज़्यादा खतरनाक कोई उतरेगा? सिस्टम है जिधर देखो ना, जिधर देखो उधर सिस्टम ही सिस्टम। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो गाइस फाइनली उतर चुके हैं हम लोग ये वाला माउंटेन से, इधर चलेगा ना चलो। तो गाइस बहुत डेंजरस था ये वाला माउंटेन में चढ़ना और उतरना, तो हम लोग तो राइडर है प्रोफेशनल वाला, ये रहा जट प्रभजोट, समझ रहे हो। और हम हैं कहा है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम जैस फिल्म्स है। बैठिया ना, सीधा गिरेगा। तो इधर पूरा खेती हो रहा है, और हम लोग खेत में गाड़ी वाड़ी चला दे रहे, तो जो खेती किया वो डांट सकता है हम लोग को, बट वो अभी खेत में कहाँ चला रहे थे। हाँ समझ लो ना, समझने में तो गड़बड़ी होता है। चल यही से तभी तो ले गए थे, मतलब आए थे आराम से, मत गड़बड़ा आराम से। कमेंट करें और कोई भी होता है ट्रैफिक एंड हाईवे वाला प्रो राइडर, तो अभी हम लोग हैं ऑफ रोडिंग वाला प्रो राइडर। सॉकर लीक हो गया, गाइस टीवी का बहुत लंबा टांग है, तो कहीं भी हम लोग नहीं गिर सकते, ऐसे आराम से तो नहीं गिरेंगे, बट भाई एक्सीडेंट उक्सीडेंट तो वैसे भी होगा नहीं हम लोग का, क्योंकि प्रो राइडर है, तो मैं सही चक्का आराम से। चलो
गाइस फिर से मीटअप पॉइंट यार हम लोग का रिवर। तो अभी गाइस आ रहे थे मीटअप पॉइंट में, तभी हम लोग जा रहे फार्म के साइड, तो अभी चलते हैं क्योंकि रात हो रहा है और इधर भूत वूत रहता है। चले देखो पी के सुतल है कुत्ता लोग। तो गाइस डॉगी लोग पी के सुतल इधर। ए भूख उगेगा बे? नहीं उगेगा। भाग गया सिस्टम है। तो गाइस अभी चलते हैं फार्म के साइड। ये रहा ये लेफ्ट साइड मेरा फार्म, देखते हैं कितना मुर्गा मेरे फार्म में, कितना मतलब चूजा गिरा है दो तीन दिन पहले, छोटा छोटा वाला मुर्गी। तो भाई अगले बार आया था हम लोग का ब्लैक मुर्गा, ब्लैक बेबी चीता, अभी आया बस येलो येलो। तो ये का फांसी लगने वाला थोड़ी है ये सुसाइड करने वाला थोड़ी ना है रस्सी वस्सी। तो ये हम लोग का मुर्गा हो जाएगा 30 दिन में। तो किसी को चाहिए मुर्गा सस्ता ना ऐसा वाला। तो गाइस ये रहा यहाँ पे हीटर, जो कि यहाँ से पूरा कनेक्शन है पूरा लाइट का। 10 दिन में पूरा फुल हो जाएगा मुर्गा ये फार्म में ब्रो। का कौन वाला रिस्क से इश्क है तो पैसा लगाओ, रिस्क लोगे तो भी आगे बढ़ोगे भाई साहब, तो रिस्क नहीं लोगे तो फिर 10,000 लोग नौकरी मिलेगा उसी में दिन चलेगा। बिजनेस बिजनेस करो यार तब आगे बढ़ोगे। BMW और ऑडी लेना है तो बिजनेस करो का भाई चुच्चा लोग बहुत मस्त पीता है लोग पानी वानी ना होगा हुआ ये लोग को टाइफाइड बीमारी पकड़ गया अभी सब खा पी के मस्त है, सब खा खा के पेट में भर गया ना तो चले नहीं सक रहा खा के बहुत खा रहे। एक्सरसाइज करवाता ना ये लोग, हाँ कुदा कुदा के एक्सरसाइज सुबह में भी अभी भी रात में भी, तभी लोग को हेल्दी थोड़ा मतलब हेल्थ ठीक रहेगा। हो गया चलेगा घर का, चल ब्रो लेट्स गो। तो चलते अभी घर, और इधर रहा मुर्गा सबका दाना वाना। तो ये मुर्गा बत, ये सब दाना कितना का होगा बता? 10 लाख का 10 लाख का दाना कसी का है कल देखना नहीं। और गाइस ये रहा हमारा स्टोर रूम जो कि यहाँ पे रहता है मुर्गा सबका दाना वाना बहुत, बट अभी तो दो है और आने वाले हैं। ये दो कितने का होगा बताना आप लोग? ये दो है 8,000 का, समझ रहे? एक बोरा था 4,000 का, बहुत 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 पैसा। चलो फिर चलते हैं यहाँ से, बाय बाय। भाई टीकू को नौकरी चाहिए 10-20 हज़ार वाला, तो किसी के पास होगा 10-20 हज़ार वाला नौकरी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, टीकू को लगवा देंगे क्योंकि उसको नौकरी वोकरी करना है, बाइक लेना नौकरी करके, समझ रहे हो? चलो भाई रेडी सेडी को